हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लाइव वॉलपेपर के बारे में जिसे शायद ही आपने आज तक यूज़ किया होगा। तो ज़्यादा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी सब्सक्राइब कीजिए माय टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुँचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज़ सबसे पहले। सो गाइस, जिस लाइव वॉलपेपर की हम बात कर रहे हैं वो है पार्टिकल प्ले वॉलपेपर। इस वॉलपेपर को फिलहाल मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हम चाहें तो वॉलपेपर को प्ले कर सकते हैं, लाइव वॉलपेपर पे क्लिक करके लाइव वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं, या फिर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हम इस वॉलपेपर की सेटिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको प्ले बटन पर क्लिक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें ये वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। यहाँ से बैक करते हैं और लाइव वॉलपेपर पर जाके सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम चाहें तो सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से हम कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग है। फिलहाल यहाँ पर मैं सेटिंग को डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, और यहाँ से अब वॉलपेपर को सेट कर देता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें, और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।